दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भेल के बारे में। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बहुत बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर आ रही है भेल की तरफ से। यदि आपने इस शेयर के अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद आप भेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, भेल की तरफ से एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है जिसके बाद अगर आप इस शेयर के अंदर इस करंट शेयर प्राइस से अगर एंट्री करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के डबल से तिबल होने के चांसेस यहां से बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भेल के अंदर आपको कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की भी बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको 52 वीक का हाई तो देखने को मिला ही है, लेकिन साथ ही साथ में जो इसकी क्लोजिंग निकल कर आई है वो 3% यहाँ पर डाउन निकल कर आई है। क्योंकि जैसे ही भेल इंडस्ट्री ने अपने यहाँ पर 52 वीक के हाई को अचीव किया, उसके बाद में इसके अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक का हाई भी यहाँ पर भेल इंडस्ट्री ने 12 मई 2021 के दिन ही लगाया है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आना भी पेंडिंग है। यदि उसके पहले आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो NSE के अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है उस क्वांटिटी की तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो जी हाँ दोस्तों, आप क्वांटिटी को देख कर ही यहाँ पर शॉक हो जाएंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान NSE के अंदर भेल की 34,75,03,495 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 4,20,58,366 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। यानी कि सिर्फ इस कंपनी की अगर हम डिलीवरेबल बेस क्वांटिटी को ही अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। अगर इसे किसी और कंपनी से अगर एनालिसिस करें तो किसी और कंपनी के अंदर तो इतनी वॉल्यूम भी आपको देखने को नहीं मिलती है जितनी क्वांटिटी आपको इसके डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स की राय माने, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ PSU स्टॉक्स की यहाँ पर बाई की कॉल निकल कर आई है। रिसेंटली अपडेट निकल कर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं डेट भी मैंने यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर रखी है, 12 मई 2021 यानी कि कल ही की अपडेट निकल कर आई है, जिसके अंदर अगर आप पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है अमिड लोवरिंग नंबर ऑफ फ्रेश COVID-19 केसेस इन इंडिया, मार्केट एक्सपर्ट्स आर रिकमेंडिंग स्टॉक इन्वेस्टर्स टू कंटिन्यू विथ स्टॉक्स स्पेसिफिक ट्रेड एज द फियर ऑफ सेकेंड वेव इज स्टिल नॉट ओवर। दे सेड दैट COVID-19 में फोर्स इंडियन गवर्नमेंट टू जनरेट फंड्स एंड इन दैट केस वी कैन एक्सपर्ट डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस टू गेट एक्सेलरेटेड, सो इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट और PSU स्टॉक विच आर अवेलेबल एट डिस्काउंटेड प्राइस टूडे। दे सेड एट भेल BPCL NBCC आर द PSU स्टॉक्स दैट वन कैन बाय टूडे। यानी कि यहाँ पर जो PSU स्टॉक को लेकर अपडेट निकल कर आई है जिसमें भेल को लेकर भी यहाँ पर रिकमेंड किया गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से, यदि आप इसके अंदर करंट शेयर प्राइस से एंट्री करते हैं तो आपको बहुत बड़े टारगेट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, रवि सिंगल जो कि यहाँ पर वाइस चेयरमैन है GCL सिक्योरिटी के, उन्होंने भी यहाँ पर भेल को लेकर बाई की कॉल दी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जो टारगेट बताए हैं वो ₹144 शॉर्ट टर्म के टारगेट बताए हैं, जिसमें आप अगर ₹62 का अगर स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं और करंट शेयर प्राइस से इसको बाय करते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही साथ अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप भेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर्स आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है। यदि हम भेल की यहाँ पर लास्ट वन मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट वन मंथ के अंदर यहाँ पर भेल ने अपने इन्वेस्टर्स को 58% का रिटर्न यहाँ पर बनाकर दिया है, और अगर इसके 52 वीक की हाई की बात करें तो वो आपको कल ही के दिन अचीव होते हुए भी देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम भेल के आने वाले मोमेंटम को भी चेक करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर अभी भी इसके बुलिश के मोमेंटम निकल कर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा कि ये शेयर अभी आपको एक सपोर्ट लेवल पर अवेलेबल हो रहा है, और यदि आप यहां से खरीदारी करते हैं यानी कि कल मार्केट ओपन होने के बाद ही अगर आप इसके अंदर एक फ्रेश बाइंग बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलने वाले हैं।
जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि कल आपको ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो NSE के अंदर और BSE के अंदर क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली, जो कि 37 करोड़ क्वांटिटी की डील आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिली, यह हाईएस्ट नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उसके पहले के अगर एक ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो आपको वहाँ पर 55 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली थी, जिसके सामने 6 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई थी। तो हाई वॉल्यूम के मामले में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको NSE और BSE के अंदर भेल के अंदर देखने को मिल रहा है और डिलीवरेबल बेस काम भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने इस अपॉर्चुनिटी को, इस परफेक्ट टाइमिंग को अगर मिस कर दिया तो डेफिनेटली यहां से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भेल इंडस्ट्री की अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो भेल इंडस्ट्री ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 232% का रिटर्न बनाकर दिया है, और अगर पिछले तीन साल की बात करें तो पिछले तीन साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को माइनस में यहां पर 11.47% का, यानी कि नेगेटिव 11.5% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो यही कहना चाहूँगा कि ये शेयर अभी आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, जिसके अंदर आप एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर नए अचीवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को भी यहां से चेक करेंगे तो 89% यहां पर एक्सपर्ट्स की इस शेयर को लेकर बाय की कॉल निकल कर आ रही है, साथ ही साथ 6% यहां पर होल्ड की कॉल निकल कर आ रही है, यानी कि 95% एक्सपर्ट अभी भी इसके अंदर बाय की रिकमेंड कर रहे हैं। कंपनी के अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट आना बाकी है, उसके पहले यदि आप क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की तरफ नजर मारेंगे तो यहां पर भेल ने जो यहां पर क्वार्टर थ्री के अंदर अपना रेवेन्यू जनरेट करा था वो 4,451 करोड़ रुपए का था, जो कि आप क्वार्टर टू से अगर कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम यहां पर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी ने जो रेवेन्यू बुक किया है उसमें कंपनी को काफी मुनाफा भी हुआ है, जिसके कारण वो अपने लॉस को बहुत हद तक यहाँ पर रिकवर कर पाए हैं। अगर भेल इंडस्ट्री की बात करें तो जिस कंपनी के ऊपर किसी टाइम पर आपको मार्च 2020 में 1535 करोड़ रुपए का लॉस देखने को मिल रहा था, उसी कंपनी ने पिछले तीन क्वार्टर के अंदर अपने लॉस को लगभग 236 करोड़ रुपए पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी के साथ में क्वार्टर फोर के रिजल्ट से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, ये जो 236 करोड़ रुपए का आपको लॉस देखने को मिल रहा है, ये इस क्वार्टर के रिजल्ट में पूरी तरीके से रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। और रिजल्ट के पहले अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर भी काफी यहां पर गेन हो सकता है। अगर भेल की हम शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स की तरफ भी नज़र मारें तो यहाँ पर अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखेंगे तो क्वार्टर फोर के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में आपको किसी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की तरफ नज़र मारें तो म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर डिक्रीज करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम के नंबर की तरफ आप नज़र मारेंगे तो वो आपको यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के नंबर्स की तरफ नज़र मारेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर इंक्रीज करा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स भी यहां पर कंपनी के काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। तो यदि आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसके अंदर शॉर्ट टर्म में ही आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिले तो डेफिनेटली भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।